नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में पुरुष एवं महिला वार्डर के 91 पदों की अनुबंध भर्ती हेतु आज लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षाएं शिमला, मंडी और धर्मशाला में आयोजित की जा रही हैं, जो कि दोपहर 12 बजे होंगी। आज से आगरा में बलकेश्वर मेले के लिए रूट डायवर्जन किया जा रहा है। बता दें कि आगरा में सावन के दूसरे सोमवार पर बलकेश्वर महादेव मंदिर मेला पर शहर के चारों कोनों पर स्थापित शिव मंदिरों की परिक्रमा लगती है। आज शाम से ही परिक्रमार्थियों की टोली परिक्रमा के लिए निकलेगी। सोमवार सुबह तक परिक्रमा पूरी होगी। इसके साथ ही सोमवार को बलकेश्वर का मेला लगेगा, इसके लिए रूट डायवर्ट किया गया है। बिहार से दिल्ली आने वाली और दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ स्लीपर और जनरल बोगियां ही रहेंगी। ये ट्रेन आज से प्रतिदिन मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए खुलेंगी। आज झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को रीशेड्यूल कर दी गई है। पहले जेएसएससी की ओर से इस परीक्षा का आयोजन 25 जुलाई 2024 को किया जाना था, लेकिन बाद में इसे नक्सल बंद की घोषणा के चलते पुनर्निर्धारित किया गया था। श्रीलंका में आज भारत की दो टीमें दिखाएंगी जलवा। आज श्रीलंका में दो भारतीय टीमें स्टेडियम में अपना जलवा दिखाती नजर आएंगी, जहां एक तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के साथ एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेलेगी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय पुरुष टीम श्रीलंका के साथ अपना दूसरा T20 मैच खेलेगी। भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स IAF अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी दिन है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन लिंक 8 जुलाई से खुल गया था। वही सिलेक्शन परीक्षा के माध्यम से होगा। इस परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर 2024 के दिन किया जाएगा। आज केरल राज्य पात्रता 2024 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि LBS सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरल इस परीक्षा को आयोजित करेगा, जिसके लिए हॉल टिकट 17 जुलाई को जारी कर दिया गया था। LGM में एक्टिंग करते नजर आ सकते हैं धोनी, आज होगी रिलीज। MS धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट की शुरुआत की है। कपल के इस बैनर की पहली फिल्म LGM है। ये एक तमिल फिल्म है जो कि आज थिएटर्स में रिलीज होगी। आपको बता दें कि धोनी इस फैमिली ड्रामा में कैमियो रोल कर सकते हैं। ये खबर सामने आते ही धोनी के फैंस इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है। विक्की कौशल की सुपरहिट फिल्म सैम बहादुर का जी सिनेमा पर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा। आपको बता दें कि सैम बहादुर साहस और देशभक्ति की बेमिसाल कहानी है, जिसका निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। प्रदेश में एक ही दिन में मौसम की कई अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज यानी 28 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इनमें आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज समेत आसपास के इलाके शामिल हैं। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1858 में आज ही के दिन उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले विलियम हर्शेल का जन्म हुआ था। साल 1821 में आज ही के दिन पेरू ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। साल 1750 में आज ही के दिन महान बारोक संगीतकार जोहान सेबेस्टियन बाक का निधन हुआ था। साल 1742 में आज ही के दिन प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1972 में आज ही के दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।